सरदार भगत सिंह, या यूं कहे तो शहीद आजम भगत सिंह, महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम कर हंसते हंसते झूले थे। जिन्होंने मौत को अपनी दुल्हन माना था, आज़ादी को अपना हक बताया, सिर्फ आज़ादी नहीं पूरी आज़ादी की बात करते थे वो। और आज उन्हें शहीद हुए 88 साल हो चुके हैं और देश में शहीदों के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पता नहीं नारों में उनका नाम क्यों गुम हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस देश में जो भगत सिंह को आतंकवादी तक कह देते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर थे और सभी को पता है कि भगत सिंह बहुत बड़े शायर भी थे। भगत सिंह चाहते तो लड़ाई में हिस्सा न लेकर एक शायर बन जाते और पैसे कमाते। अपनी खूबसूरती के कारण लड़कियों से फ्लर्ट करते, घुमा करते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, आज़ादी को अपना हक बताया। वे कैद होकर नहीं जीना चाहते थे और कुछ कुर्सीखोर नेता उन्हें आतंकवादी बता देते हैं। जब उन्हें बर्फ के ऊपर घंटों छोड़ा जाता और अफसर कहते ये क्यों करते हो, तो वो कहा करते थे कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, मेरे माँ बाप ने पाला है मुझे दुख सह सह कर, लेकिन मुझे इस देश में कैदी बनकर नहीं रहना है, मुझे पूरी आज़ादी ही चाहिए। 11 साल की उम्र में बच्चे आजकल क्या सोचते हैं। और एक शहीद आजम थे जो उस उम्र में अंग्रेजों को भगाने का सपना देखा करते थे। 1924 में जब उनकी शादी की बात चली तो वे खत लिखकर घर से चले गए। खत में सिर्फ इतना ही लिखा था कि आज़ाद भारत मेरा सपना है और मौत ही मेरी दुल्हन होगी। 16 साल की उम्र और सोच तो देखिए, 11 साल का वो लड़का जो 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग चला गया था, जहां लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था, वहां से खून से लाल मिट्टी को घर ले आए और बदले की भावना उनमें तब से ही जाग उठी थी। याद रखना, इस देश में हथियारों की क्रांति से पहले भगत सिंह के विचारों की क्रांति आई थी। भगत सिंह के वकील ने उन्हें फांसी के दिन पूछा था कि आपकी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं फिर से इसी देश में पैदा होना चाहता हूँ। भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर जीवित रह सकते थे, सिर्फ अपने बारे में सोच सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि उनकी मौत से देश में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी और हजारों की संख्या में भगत सिंह पैदा होंगे। भगत सिंह का एक लेख जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह को पढ़ने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही 50 किताबें पढ़ ली और कॉलेज के दिन पूरा होते होते 300 किताबें पढ़ डाली। वे कहते थे कि दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। अरे, अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उन्हें उनके फांसी के समय से 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई। शवों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें किसी सामान की तरह ही ट्रक में लाद दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना तो आसान है, किंतु उनके विचारों को नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं, भगत सिंह के विचारों को खत्म कर उन्हें सिर्फ व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। क्या कारण है कि हम भगत सिंह को सिर्फ 23 मार्च और 28 सितंबर को ही याद करते हैं और बाकी दिनों में उनकी बात ही नहीं होती। भगत सिंह क्या इतने छोटे व्यक्ति थे कि उनका नाम गाड़ियों में लिखा जाए और उनके चित्र को टी शर्ट पर लगाया जाए? क्या ये उन्हें याद करने का तरीका हो सकता है? नहीं, जब तक उनके विचार हम में नहीं होंगे तब तक हम भगत सिंह को याद नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है कि देश के नेता उनके जन्मदिन या पुण्यतिथि पर सिर्फ भगत सिंह कहते हैं? क्या कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठे 800 सांसद मिलकर उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं? क्या कारण है कि आज़ादी के नारों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों के नाम तो लिए जाते हैं और भगत सिंह को याद भी नहीं किया जाता? क्या कारण है कि उनके चित्र पर हम माला भी अर्पण नहीं करते? क्या कारण है कि उन्हें शहीद होने का दर्जा इतने साल बाद भी नहीं दे पाए, जबकि वे शहीद आज़म हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उन्हें वो दर्जा मिले जो बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को मिला। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब भी शहीदों की बात हो तो सबसे पहले उनको याद किया जाए। शहीद आजम भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे जिससे हम काफ़ी दूर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।